Hey guys, तो आ गए हम दोबारा फिर से इस ब्लॉग के अंदर में। आज हम जा रहे हैं जन्माष्टमी देखने। आपको पता है ना जन्माष्टमी हमारे यहाँ पे कैसी मनाई जाती है, तो चलो बढ़ते हैं। गाइस तो अभी हम आ चुके हैं, जस्ट हमारे पीछे आप देख सकते हो हमारा मंदिर आ चुका है। हमारी साइकिल यहाँ से बहुत दूर हम पार्क करके आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है मंदिर में कि अगर मैं यहाँ पे साइकिल लेके आता तो हमारी साइकिल चोरी होने की भी डर हो सकती थी या कुछ भी हो सकता था। हमने साइकिल को बहुत दूर पार्क किया है और अभी मैं और ये छुटकू, क्या नाम है, करण नाम है इसका, तो हो सके तो कुछ ब्लॉग में आपको दिखेगा ये, तो देखते रहना। ये यहाँ पे उछल कूद भी करेगा, तो इस पर नजर रखना, बहुत उछल कूद करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है प्रॉपर मंदिर जो हमारे पास में ही है, बहुत अच्छा मंदिर है। डुंडा एड़ा गुड़गांव में मंदिर पड़ता है, हनुमान जी का मंदिर। यहीं पे अभी हम आए हुए हैं दर्शन के लिए और यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत ही बड़ी भीड़ जमावट आप देख सकते हैं। रोड पूरा यहाँ पे जाम हो चुका है, आपको जगह नहीं मिल पाएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो श्रद्धालुओं की कितनी बड़ी भीड़ है, बहुत ही जाम सा लगा हुआ है यहाँ पे। कैसे हो? हटो, बैल बजाते हैं। कैसे है? ये देखो कौन है, ये कौन है? ये गाइस हमारे बहुत पुराने दोस्त है, स्कूल के फ्रेंड है ये सारे। ये देखो कौन है, कोई नहीं है दोस्तों, ये हमारे श्री कृष्ण जी हैं। तो अब हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। तो चलिए बाहर में आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये देखिए छोटे छोटे बच्चों का झूला कैसे मनोरंजन कर रहे हैं, देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। इन बच्चों को कितना ही मजा आ रहा होगा इस झूले पे झूलते हुए। दोस्तों यहाँ पे दुकानें भी लगी हुई है जो छोटे छोटे आपको देख सकते हैं आप। तो अभी हम मंदिर से लौट चुके हैं। कसम से दोस्तों बहुत ही तगड़ी भीड़ थी, इतनी तगड़ी भीड़ थी खड़े भी नहीं होना हो पा रहे थे हम लोग, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ थी। और मैं सीरियसली इस मंदिर में पहली बार रात में आया था यहाँ का माहौल देखने, ये क्या भीड़ होती है, कैसा प्रोग्राम होता है, क्या होता है। वाकई बड़ी लाजवाब भीड़ होती है, मैं परेशान हो चुका हूँ। हाँ यहाँ पे मटकी वगैरह तो नहीं फोड़ी गई, लेकिन हाँ जो भी प्रोग्राम इन्होंने अपना आयोजित कर रखा था, ऑर्गेनाइज कर रखा था, बहुत ही बढ़िया था, लाजवाब था, एकदम ज़बरदस्त था। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए इसी तरह हमारे ब्लॉग के अंदर में। नेक्स्ट ब्लॉग मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आऊँगा और
ये इसको मैंने मस्ती करने ही नहीं दिया, भाग रहा था भाई, भीड़ थी, कहीं खो जाता, इसीलिए मैं इसको कोई मस्ती नहीं करने दी, इसको पकड़ के साथ में घूमता रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।